गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है दीदी की शादी की फर्स्ट रस्म चुलचौकी और मेहंदी की, और ये दीदी मेरे साथ है। तो आपको कैसा लग रहा है अपनी फर्स्ट शादी की रस्म में? धक 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 धक। जिसकी शादी हो चुकी है वो भी मुझे बताना कि आपको भी ऐसी धक धक हुआ है। इसको तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ चुलचौकी की रस्म क्या होती है। वो आप देख सकते हो कितने वहाँ पर एक जगह में आग जली है, तो हाँ वहाँ पर खाना बनेगा। इसीलिए उस जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा, तो वहाँ पर खाना बनेगा। तो उसके लिए सामान हमारे रखते हैं कि कैसे खाना बनेगा, उसको चुलचौकी की रस्म के। और सब मेहमान आ गए, और ये हमारी तो मैं गत्ते की पेटी, और सब अपने काम में लगे हैं। ओ दिशु। तो गाइस यहाँ पर सब लोग हो रहे हैं तैयार, और दीपी ने मेहंदी भी लगा दी है, और यहाँ पर नेहा दी वो लिख रही चौक। इसमें दूल्हा और पंडित जी बैठेंगे, और यहाँ पर मनीषा जी ने ये भी लगा दिया। सब अपना काम कर रहे हैं, और उधर चुलचौकी की भी रस्म हो चुकी है, सबको मैंने दिखाया है। चलो तो गाइस सब तैयार हो चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ तैयार होके, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, और मेहंदी की डेकोरेशन भी अभी टेंट वाले कर लेंगे, और अभी लाइट वाइट लगा रहे। चलो मैं तैयार होके आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी बहुत तेज़ बारिश हो गई है, पता नहीं कब रुकेगी, और लाइट भी चली गई है, चारों अंधेरा अंधेरा हो गया, मतलब अंदर पूरा अंधेरा हो चुका है। कब रुकेगी ये बारिश? और उधर वाले कमरे में डेकोरेशन हो रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अब मेरे हाथ में लग रही है मेहंदी, और वहाँ भैया लोगों ने लगा दिया मेहंदी। तो आप लोग देखो कि भैया लोगों के हाथ में कैसी लग रही है। तो गाइस अब मेरे हाथ में मेहंदी लग चुकी है, अब हम लोग दीदी को लगाने जा रहे हैं। तो चलो मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। चलो मेहंदी लगाने की रात आ गई, मेहंदी लगाने की रात, मेहंदी लगाने की रात आ गई, मेहंदी लगाने की रात, मिलने मिलाने की रात आ गई, मिलने मिलाने की रात, मेहंदी लगाने की रात आ गई, मेहंदी लगाने की रात, सबको बताने की रात आ गई, सबको बताने की रात, Thank you.
खुशबू लुटाते गुलों की लड़ी की, कब से थी चाहत हमें इस घड़ी की, जुगली वेडिंग मतलब 10 बज चुके हैं, तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। थैंक यू बेटा। और मेरे सारे सब्सक्राइबर की ओर से भी आपको हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और चलते पापा, और पापा तो सो गए हैं, मतलब अभी सो गए हैं, पहले हमने विश करा सो गए। और देखो सब बधाइयां गाइस, अब हम जा रहे हैं सोने और मम्मी लोगों की एनिवर्सरी मैंने विश कर दिया। अब हम लोग सो गए और कल की ब्लॉग में दिखेंगी हल्दी का फंक्शन, संगीत का फंक्शन और टेंट कैसा लगा है घर में। अभी तो आधा लग चुका है तब। और ये देखो मेरी दीदी लोग बोलो। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ये अब इन लोगों की बात आपको माननी है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वॉचिंग एंड वीडियो। और मेरी दीदी को अपनी आशीर्वाद देना अगर आप लोग बड़े हो, और छोटे हो तो भगवान दीदी से दुआ करना कि मेरी दीदी की शादी बहुत अच्छे से रहे। और इसी खुशी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और कल मिलेंगे नई उत्साह से, इसी खुशी से। थैंक यू।